खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है करेले गोश्त, और करेले गोश्त हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो गोश्त में हम लोगों ने तकरीबन दरमियाने साइज़ का एक प्याज डाला है, उसके अंदर एक चम्मच जो है वो हम लोग मिर्च का डाल रहे हैं, और नमक हम लोग जो है वो कम ही डालेंगे क्योंकि करेलों में जो नमक होता है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने नमक डाला है, और हाफ टेबल स्पून हम लोग जो है उसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। और करेलों को हम लोगों ने छील लेना है, छीलने के बाद इसको धूप में रखना है जैसे कि आप लोगों को पता है, और इस गोश्त को हम लोग पकने के लिए रख दें ताकि जो हमारा टाइम है वो ज़ाया ना हो। तो अपनी रेसिपी करते हैं शुरू, फिर आपको दिखाते हैं। तो गोश्त के अंदर हम लोग जो है एक अंदर वो टमाटर भी शामिल करेंगे, टमाटर भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी काट के इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर गोश्त को जो है एक उबाला दिला के ढक के पकने के लिए रख देते हैं, और फिर इतने भी जो है हमारे करेले हैं उसको हम लोग छील के बना लेते हैं। पर जब देखते हैं जो गोश्त हम लोगों ने पकने के लिए रखा था वो तैयार हो गया है या नहीं। नहीं, अभी नहीं, वो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो पानी भी खुश्क नहीं हुआ, तो थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। खुशबू तो आना शुरू हो गई है लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम मज़ीद लगेगा। व्यूअर्स, वही जो उनसे हमने आपको करेले वीडियो के शुरू में दिखाए थे उनको हम लोगों ने बारीक बारीक काट लिया, नमक लगा के मम्मा ने इनको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसको अच्छे से निचोड़ने के बाद अब यहाँ पर जो है उनको घी के अंदर फ्राई किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि करेलों को जो पहले फ्राई किया जाता है, उसके बाद चाहे आप उसको कीमे में बनाएं चाहे इसको गोश्त में बनाएं, फिर इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अभी मम्मा ने इसके अंदर घी शामिल किया है और इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको फ्राई करने के बाद लाइट सा हम लोगों ने कलर देना है, और गोश्त जो है वो भी हमारा अभी पक रहा है, उसमें भी कसर है, बिल्कुल नहीं वो कुक हुआ, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसी दौरान जो से करेले वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। बस एक बार फिर से आपको दिखा देते कि ये देखिए पानी अभी रिड्यूस कर रहे हैं इसका, और थोड़ी बहुत कसर भी है, तो इतने में जो से करेले भी तैयार हो जाएंगे और गोश्त भी तैयार हो जाएगा। फिर फर्दर जो से हमारी रेसिपी है इसको हम लोग आप लोगों के सामने फाइनल करेंगे। तो अभी जो से करेले आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी ये गोल्डन कलर के नहीं हुए, क्योंकि अगर हमने इनको गोल्डन कलर ना दिया तो जो इसकी कड़वाहट है वो बाकी रहेगी और ये खाने में भी मतलब कड़वे महसूस होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और ब्राउन करेंगे, लाइट सा हमने गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा काले नहीं करने, क्योंकि अगर हमने इसको जला लिया तब भी ये कड़वे हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और मज़ीद कलर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, जो से करेले हैं माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है इसकी। तो अब इसके अंदर हम लोग जो से हैं वो प्याज, ये निकालने के बाद जो से प्याज है वो हम लोग लाइट से करेंगे कलर, हमने उसको भी देना है, और फिर उसके बाद जो से हमारा गोश्त है वो भी तैयार हो गया है, तो उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन अब जो से ये करेले हैं इसको हम निकालें, तो इसी घी में जो से वो प्याज है उनको हम लोग लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो ये ले व्यूअर्स, जब हमने जो से प्याज भी उसी घी में डाल दिया, उस घी को हमने ज़ाया नहीं किया, उसी घी में उसको लाइट सा कलर देते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, प्याज आप लोग देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल लाइट सा कलर किया, बस मतलब थोड़ा सा नरम किया है। उसके बाद जब हम लोगों ने करेले शामिल कर दिए हैं, और अब गोश्त वही जो आपके सामने हम लोगों ने तैयार किया था गोश्त वो उसमें शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको दम पर रख देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी फाइनल हो गई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है करेले गोश्त पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग इसको मतलब हम लोगों ने करेले कीमे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई, वो भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने करेले गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना और हमें अपनी देनी है फीडबैक। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो में दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।